बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहतशाम रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ। नाज़रीन, लाहौर इस वक्त सियासत का गहवर बना हुआ है, महवर बना हुआ है और गढ़ बन चुका है। आपको आगाह कर चलें कि जहांगीर तरीन ग्रुप कायम कर दिया गया है और जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप बनाने के बाद सईद अकबर नवानी साहब पंजाब असम्बली में पार्लियामानी लीडर मुकर्रर किए गए हैं इस ग्रुप की जानब से, जबकि कौमी असम्बली के लिए राजा रियाज साहब को पार्लियामानी लीडर बनाने के वाले से बात की गई है। और अब से कुछ देर कबल इसी ग्रुप की अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब से भी, और ये कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है और इसी वजह से ये ग्रुप बनाया गया है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब की जानब से ये भी कहा गया है कि हम तहरीक इंसाफ छोड़ नहीं रहे, तहरीक इंसाफ में ही हैं, इमरान खान साहब के साथ ही हैं। दूसरी जानब इमरान खान साहब की जानब से आज अहम बयान सामने आया। पेशावर में वो सनअती वर्कर्स के लिए रहायशी मनसूबे का इफ्तिताह करने के मौके पर तकरीब से खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सारे माफियाज इकट्ठे होकर मुझसे NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं, कभी भी इस माफिया को NRO नहीं दूंगा। इसी मौजू पर बात करेंगे मोहतरम सज्जाद मीर साहब के साथ। सज्जाद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सज्जाद मीर साहब, तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, अब जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप बना दिया गया है, अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात हुई है, किस तरह से देख रहे हैं इस आम डेवलपमेंट को आप? नहीं, गालिबन बात ये थी कि एक तरफ तो उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों से मुलाकात की इमरान खान ने, और उनको ये यकीन दिलाया कि अली जफर जो है वो आपकी इंक्वायरी करेंगे। अली जफर जो है उनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो कानूनदान है और सही तौर पर कानूनदान है, कोई फरोग नसीम की तरह सियासी कानूनदान नहीं है कि अल्ताफ हुसैन की भी पैरवी कर रहे हैं, मुशरफ की भी पैरवी कर रहे हैं, और वजारत छोड़कर भी पैरवी करनी पड़ती है तो पैरवी करते हैं और अगले दिन दोबारा वजीर बन जाते हैं, वो इस तरह के नहीं थे। और उनका ख्याल यही था कि अली जफर जो है वो एक बैलेंस रिपोर्ट पेश करेंगे। अभी रिपोर्ट उनकी आई नहीं है, लेकिन सुना इमरान खान के लिए उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है उसकी बहुत सी बातें हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो गालबन हुकूमत अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन ये बात उन्होंने नहीं शायद कही होगी कि अगर मुकदमा कायम करना पड़ा तो मुकदमा किस तरह का कायम किया जा सकता है, किस तरह का नहीं, फौजदारी है या क्या है या क्या सूरत है। जहांगीर तरीन को जो अब इतराजात हैं वो बड़े सादा से हैं कि शुगर माफिया पर यह कहा गया कि मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और शुगर माफिया का कोई मुकदमा ही नहीं है, सारे मुकदमे जो है दूसरे हैं और सबको फौजदारी में बदल दिया गया है, FIA को लगा दिया गया है, दूसरे इदारों को लगा दिया गया है। और अब जो नई सूरत हाल पैदा हुई है पंजाब में वो ये है कि वो कहते हैं कि हमारे सूबाई असेंबली के मेंबरान या दूसरे मेंबरान जो कि मुखालफत करते हमारा साथ देते हैं, जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप बनाया गया था ना तो जो साथ देते हैं वो उन लोगों के खिलाफ कोई एक तरह की तादीबी कार्रवाइयां या उन्हें तंग करने के लिए कुछ सौ तरीके होते हैं जी मेंबरान असेंबली को तंग करने के, उनके इलाकों में कुछ बहुत तब्दीलियां कर दी, कुछ और कर दिया। ये भी कह रहे हैं कि फंड्स नहीं दिए जा रहे, उनके फंड्स भी रोके जा रहे हैं। या फंड भी रोके जा रहे हैं, और भी हो सकता है कि इलाके में कोई ऐसा अफसर तैनात कर दिया जाए जो विंडिक्टिव हो, इंतकामी मिजाज लगता हो या उनसे कोई चिड़ और किड़ रखता हो। आमतौर पर ये लोग तो ये भी चाहते हैं ना जी कि यहाँ इनके वहां जो अफसर तैनात हो वो इनके हम ख्याल हों, तो मेरा ख्याल में हम ख्याल लोगों को हटाकर उन्होंने अपने हम ख्याल लगा दिए, उसकी वजह से सारी सूरत पैदा हुई है। अच्छा सज्जाद मीर साहब, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हम ख्याल ग्रुप बनाया गया, दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के साथ हैं। इसी मौजू पर हमें ज्वाइन किया है जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के नौमान लगड़ियाल साहब ने। जी नौमान लगड़ियाल साहब मेरे शहर साहिवाल के हैं, और मेरा तो बचपन उस जमाने में गुजरा जब हम इस बात पर फख्र किया करते थे कि फतेह मोहम्मद लगड़ियाल जो है वो साहिवाल से वजीर, उसको वजीर होना बड़ी बात हुआ करती थी और बड़े कम लोग वजीर हुआ करते थे। हमने उनको देखा है और जाना है, फिर तो मैं साहिबाद से बाहर ही चला गया था, खुशी हुई मुझे इनसे बात करते हुए। जी अस्सलाम वालेकुम लगड़ियाल साहब। जी सर बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका, बहुत शुक्रिया आपने जिस मोहब्बत से साहिवाल का नाम लिया है, मेरे दादा का नाम लिया है, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ जी। मैंने बचपन वहां गुजारा है, पढ़ा वहां हूँ, उसी कॉलेज से पढ़ा हूँ, उसी स्कूल से पढ़ा हूँ, इसलिए मुझे तो साहिवाल की गली गली मोहल्ले मोहल्ले को याद करता हूं मैं, वहां के तमाम लोगों को याद करता हूं। अच्छा मुझे अब पूछना आपसे ये है कि आप लोग जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप बनाया और बजाहर ये है कि बेजर बात कर रहे हैं कि ना हम PTI में थे, हम ना छोड़ रहे हैं, ना फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो हमें तंग किया जा रहा है उसको हम इंशाल्लाह फाइट करेंगे। शायद सुना है आज मुलाकात भी हुई आपकी वजीर आला पंजाब से, क्या 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 सूरत हाल है?
देखिए सर, मैं आपको बड़ी वाजे और आसान सी बात बताता हूँ कि जैसे आपने फरमाया कि जी जहांगीर तरीन ग्रुप, बेसिकली तो हम सारे पीटीआई के रुकन हैं और पीटीआई से इलेक्ट हुए हैं और पीटीआई के साथ ही हम खड़े हैं। लेकिन जिस तरह जहांगीर खान तरीन साहब पर एफआईआर कटी गई, उसके बाद हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए और हमने उनसे दरियाफ्त किया और हमें नजर आया कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये मुनासिब नहीं है, ये इसके रेलेवेंट नहीं है। तो उस सिलसिले में हम सारे इकट्ठे हुए और हमने इदारे यकजहती के लिए जहांगीर खान तरीन साहब का साथ दिया। वो एक रूटीन मैटर था जिसमें आप ये कह लें कि हमारे पार्टी के इनके हमारी पार्टी के बहुत इनकी कंट्रीब्यूशन है, हमारे सियासतदानों पे इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। कई हमारे दोस्त ऐसे हैं मुश्किल हालात में थे, इन्होंने हमारे लिए आसान हालात पैदा किए। वो एक अच्छे वक्त की याद थी जिसकी वजह से हम सारे दोस्त इकट्ठे होकर जहांगीर खान तरीन साहब के साथ खड़े हुए। उसमें आपके सामने था कि ना हमें फेडरल गवर्नमेंट से किसी तरह की कोई रुकावट आई, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुकावट आई और हम जहांगीर खान के साथ खड़े होके उनके साथ इजारी यकजहती करते रहे। लेकिन इसी दौरान में जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो हमारे जो साथी दोस्त थे एमपीए, उन्होंने कल, जैसे आपको पता है कि इशाइया था जहांगीर खान तरीन साहब के घर पे, तो वहां वो फट पड़े के जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, हमें नजरअंदाज किया जा रहा है, हमें कॉर्नर किया जा रहा है, हमारे साथ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। तो वो चीजें ऐसी अलार्मिंग थी जिनको एड्रेस करना बड़ा जरूरी महसूस किया गया। वहां पे फिर सारे दोस्तों ने इस चीज का प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना हम जहांगीर खान तरीन ग्रुप बना लें। और नहीं सर, हलफ वाली बात नहीं है, वहां पे बस एक जबान से ऐड किया कि हम सारे इकट्ठे हैं। तो उधर जब हम ये ऐड किया तो उधर हमने इस बात का इजहार किया कि जी हम अपने सारे दोस्तों को लुक आफ्टर करेंगे, जिन दोस्तों के साथ नाइंसाफी हो रही है, ज्यादती हो रही है, उसकी निशानदेही करेंगे और अपने साथियों को महफूज रखेंगे। ये हमारा मुख्तसर सा प्रोग्राम था। अच्छा, लोग अब इसको बहुत रंग भी दे रहे हैं, आप साफ कह रहे हैं कि हम फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, लेकिन लोग तासुर देते हैं कि अगर आप लोग चाहें तो पंजाब की हुकूमत उलट सकती है, नई मुतबादल हुकूमत भी आप बना सकते हैं। अभी ऐसा प्रोग्राम तो लगता नहीं है, ना जहांगीर तरीन साहब की बातों से, ना आप लोगों की बातों से। सर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए, जो हमारी मुखालिफ लोग हैं, हमारी पार्टी के मुखालिफ हैं और कोई इस तरह के जो शर पसंद अनासर है वो इस तरह की डिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हमारे जो हमारे लीडर हैं जहांगीर खान तरीन साहब, उन्होंने आज सुबह जो प्रेस टॉक की है उसमें क्लियर कट कहा है कि हमने किसी तरह भी पार्टी को ना छोड़ा है, ना छोड़ना है और ना ही कोई इरादा रखते हैं। सर ये सारी बातें इसलिए की जा रही हैं कि एक गलत रंग दे के पार्टी को कमजोर करने की बात की जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम सब अपनी पार्टी के साथ मुखलिस हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे साथी, हमारे दोस्त हमारे ग्रुप में हैं जिनकी शिकायत हैं पंजाब गवर्नमेंट के साथ, पंजाब गवर्नमेंट उन्हें जरूर एड्रेस करे। और ये कोई किसी भी इस तरह का दौर नहीं होता कि जो गवर्नमेंट में बैठे हों दोस्त उनको गवर्नमेंट ही परेशान करे। तो ये मामला मुझे लगता है कि इंशाल्लाह 2-3 दिनों में सॉर्ट आउट हो जाएगा, और ये सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के मामले जो हैं इनको लेट किया जाए या उनको अहमियत ना दी जाए तो फिर ये छोटे छोटे मामले बड़े मामले बन जाते हैं। तो इस लिहाज से मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि हमारे वजीर आला पंजाब जो हमारे साथी शिकायत कर रहे हैं उनका जरूर सदे बाप करेंगे और हमारे तमाम जो साथी हैं वो इंशाल्लाह ताला पीटीआई के साथ हैं और पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। आपका क्या ख्याल है कि बुज़दार साहब को किसने ये मशवरा दिया होगा सब कुछ करने के लिए? सर ये अब देखें, पार्टी में कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जहांगीर खान तरीन साहब को बर्दाश्त नहीं करते, उनकी शख्सियत को बर्दाश्त नहीं करते, उनकी उनके वजूद को बर्दाश्त नहीं करते। वो ऐसी हसद वाली हरकतें करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरीके हम जहांगीर खान तरीन को आउट करें, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मैं समझता हूँ जहांगीर खान साहब के साथ जो लोग खड़े हैं वो मुखलिस लोग हैं, खानदानी लोग हैं, वो
उनकी अहमियत और उनकी कुर्बानियों को महसूस करते हैं और वो नहीं चाहते कि वो पार्टी से जाएं और उनको पार्टी निकाले, इसलिए हम उनको इसलिए सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं कि वो उनकी हमें जरूरत है और पीटीआई को भी उनकी जरूरत है। आज वो आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ लोग चाहते हैं, कुछ मुखालफत भी करते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने जो खास तौर पर आज बयान किया है, उसने तो एक तरह से आप सब लोगों को डराया है कि अगर आपने बजट पे वोट ना दिया तो आपकी मेंबरशिप जा सकती है, तो इसी किस्म के लोग और होंगे, वही मैं कह सकता हूँ। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मैं ये आपके वसादत से कहना चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये तो खुली निशानी है जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने को ये मुखलिस हैं अपनी पार्टी के साथ, अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ। हमारे कुलीग हैं ये सब लोग, और ये हमारे वजूद को बर्दाश्त नहीं करते, हमारी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करते, और ये अपने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए ऐसे बयान दे देते हैं जिससे वो ये समझते हैं कि हमारा कायद इमरान खान खुश हो जाएगा और वो कहेगा जी आप बहुत अच्छी निशानदेही कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीजें पार्टी को नुकसान देती हैं, और इस तरह के बयान दे के ना सिर्फ आप नापसंदीदा शख्सियत बनते हैं बल्कि उससे पार्टी को भी नुकसान होता है। क्या ख्याल है जहांगीर तरीन साहब के साथ मरकज का जो रवैया है उसमें कोई तब्दीली आएगी? 100% आएगी सर। सर देखें, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक नीयत होती है और एक मुखलसी होती है। सर इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है जिस तरह हमने जहांगीर खान तरीन को पाया है और उनके साथ हम चले हैं, उनके साथ हमने काम किया है, वो एक मुखलस इंसान है, एक अच्छी नीयत के इंसान है, और अल्लाह ताला किसी की नीयत और किसी की मुखलसी को हिडन नहीं रहने देता, छुपी नहीं रहने देता, वो नजर आ जाती है। आज देखें इतनी आजमाइश में से वो गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बार बार ये कह रहे हैं कि ना मैंने पार्टी छोड़ी है और ना ही मेरा छोड़ने का कोई इरादा है। तो इससे आप महसूस कर लें कि उनकी जो खिदमात हैं वो इस पार्टी से कितना लगाव रखते हैं। सज्जाद साहब, आपकी इजाजत से एक क्वेश्चन अगर आपकी इजाजत हो मैं भी करना चाहूंगा नवाल लंगड़ियाल साहब से। नवाल साहब, वज़ीर-ए-आला पंजाब से आपकी यहाँ मुलाकात हुई है, क्या आपसे दरख्वास्त की गई है कि आप हुकूमती नशस्तों पर ही बैठें और अलग बेंचेस के लिए दरख्वास्त ना दें? मेरे भाई ये भी बहुत बड़ी डिसइंफॉर्मेशन है, ना हमारी तरफ से कोई ऐसी एप्लीकेशन आई है और ना ही हमारा कोई इस तरह का इरादा है कि हमें अलहदा बेंचेस पे बैठना है, क्योंकि मैं उस कमेटी का इंपॉर्टेंट हिस्सा हूँ और मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूं कि इस तरह का बिल्कुल कोई किसी तरह का भी कोई ना प्रोग्राम बनाया, ना कोई इस तरह का किसी ने मशवरा दिया है, ये सिर्फ एक डिस इंफॉर्मेशन है, पता नहीं कहां से चली है। हम अपनी पार्टी के साथ हैं और उन्हीं बेंचेस पे बैठेंगे जो हमें अलॉट हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका लंगड़ियाल साहब, आपने बहुत तफसील के साथ इस पूरी कहानी की जो आजकल टॉप ऑफ द टाउन कह लीजिए पूरे मुल्क में बल्कि फैली हुई है उसके बारे में बड़ी तफसील के साथ वजाहत की, बहुत शुक्रिया आपका। जी सज्जाद साहब, क्या कहेंगे, बेंचेस हुकूमती ही होंगे, वहां पर ही बैठेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। देखिए, अलग बेंचों में बैठने की बात नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती कि इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाया, इन्होंने यही कहा कि हम तो पार्टी का हिस्सा है। फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये अलग बेंच बनाने की बात करें, ये हमारे जो तजिया नगार है वो इस किस्म की अफवाह फैला देते हैं। जब ये अलग बेंचों पे बैठेंगे और अगर फिर इनको एस्टेब्लिशमेंट की भी हमायत हासिल हुई और फिर अगर इन्होंने दूसरी जमातों के साथ खासतौर पर नून लीग के साथ राबता किया तो इसका मतलब होगा कि ये पंजाब की हुकूमत का तख्ता उल्टा चाहते हैं। उसके बगैर ये सिर्फ ये चाहते हैं तो उन्हें सुख का सांस लेने दिया जाए। आपको क्या लगता है इनकी गुफ्तगू से, नुमान साहब की गुफ्तगू से, कि जहांगीर तरीन जो ग्रुप है इनके मकासद क्या हुकूमत का तख्ता उलटना है? बुज़दार हुकूमत से वो बिल्कुल नाखुश दिखाई दे रहे हैं। नहीं, नाखुश दिखाई देते हैं, लेकिन वो प्रेशर जो बिल्ड कर रहे हैं वो बहुत सलीके के साथ कर रहे हैं। वो उनको बता रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर रहे। वो उनको बता रहे हैं कि हमारे साथ ताल्लुक ठीक रखो तो मामला चलेंगे, वरना तुम्हारे मामला नहीं चल सकते। और साथ ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। ये एक मुहज्जब लोगों का, शरीफ लोगों का एक रवैया जो है उन्होंने इख्तियार किया हुआ है और इसी रवैये पर चलना जो है इस वक्त इनके लिए। अच्छा, सज्जाद साहब, अब खान साहब की अगर बात हो जाए, खता कलामी हुई है, माजरत, कि माफियाज को एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ लेने की कोशिश कर रहे हैं, सारे माफियाज इकट्ठे हो गए हैं, मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इस बयान को इमरान खान साहब ने आज दिया? मैं इसे एक नफ्सियाती आरजा कहता हूँ, सही, नहीं छोड़ूंगा किसी को, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा,
एन आर ओ क्या होता है, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस था वो, और वो सिर्फ पीपल्स पार्टी को दिया गया था, उसका फायदा बहुत से लोगों ने उठाया होगा, बहुत सी पार्टियों ने, लेकिन पीपल्स पार्टी को मिला था, और सबसे बड़ी बेनिफिशियरी तो उसकी एमक्यूएम थी। 8,000 बंदे जिनको माफी दी गई थी उनमें से ज्यादा तादाद, 7,000 से भी ज्यादा की तादाद एमक्यूएम के लोगों की थी, कत्ल के मुकदमा वापस लिए गए थे। वो मुशर्रफ की अपनी पार्टी थी ना, सीधी बात है। मुशर्रफ कहते थे कि हर लीडर एक जिला का लीडर है, अगर एक शहर का लीडर मैं बन जाऊं तो किसी को क्या एतराज हो सकता है। तो ये सारी बातें जो है अब किस्सा माजी है, किस्सा पारीना है। बहुत लोगों ने बहुत तरह की कोशिशें की, बहुत तरह के तरीके इख्तियार किए, लेकिन बिल आखिर यही होता है कि बात वही चलती है जो दुरुस्त होती है और जो राइज होती है। अच्छा सज्जाद मीर साहब, जहांगीर तरीन साहब तो बड़े करीबी साथियों में शुमार होता था इमरान खान साहब के, लेकिन अब हमने देखा है कि एकदम से काया पलटी और सूरत हाल जो है वो इस तरफ जारी है कि उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया। इसी पर हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सज्जाद मीर साहब हमारे साथ हैं, वो आपसे बात करेंगे। नियाज़ी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मीर साहब, आपकी दुआ चाहिए। थैंक यू। जनाब आपसे मैं क्या सवाल पूछूं, आप बता दीजिए जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप क्या है। और जहांगीर तरीन साहब की एक दो चीजों पर मैं बड़ा कायल हूँ। तहरीक इंसाफ में बिला मुबालगा वाहिद जहीन फतीम जीरक सियासतदान थे, वो एक रवायती सियासतदान नहीं थे, वो हाथी सियासतदान थे। लेकिन हकीकत यह है कि चूंकि आप की सोबत में रहते हुए, इस्लामी साहब की सोबत में रहते हुए, पाकिस्तान के सारे सियासतदान चूंकि मैं खंगाल चुका हूँ, जहांगीर तरीन एक बेहतरीन सियासी दिमाग के मालिक है, लेकिन उनकी जो एक कसम कुर्सी है या उनकी जो एक कमाईगी है वो ये है कि वो इंतहाई कमजोर कैरेक्टर के आदमी है। कैरेक्टर इस मुराद है कि जरूरत के नाम भी चीज नहीं है। अल्लाह के फजल करम में हमारे जो साउथ के जितने पॉलिटिशियन हैं वो एक जरूरत के रंधाने से महरूम है, चुनाचे वो कुछ भी कर लें मैं उनसे अपनी उम्मीदें तो नहीं बांधूंगा। मैं अपने पैसे जहांगीर तरीन साहब के घोड़ों पे नहीं लगाऊंगा, पैसे भी मैं नहीं लगाता होता हूँ, लेकिन घोड़ों पे तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। अब 3 हफ्ते की बात रह गई है, बजट में आना है, मेरा ख्याल है 20-21 जून तक शायद उससे वोटिंग हो जाए बजट के ऊपर, और एक महीना पूरा नहीं है। मुझे यकीन है कि ये वोट सब कुछ करने के बावजूद ये वोट दे देंगे। अलबत्त ये जरूर है कि इस बाप टोल में वक्ती तौर पर फायदा ले लेंगे, लेकिन फिर जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ या जो ग्रुप असल इमरान खान का इशू नहीं है, जहांगीर तरीन की लड़ाई या जहांगीर तरीन की जो तकालीफ है या जो ब्रेन्स हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, क्योंकि साके निसार से इमरान खान साहब नहीं दाखिल करवाने वाला, ना इंक्वायरी रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को इमरान खान ही टारगेट करने वाला है। वही कैरेक्टर है जो जीआईटी के अंदर थे, वाजिद जहान कंपनी, और आप भी पता है कि उनकी सारे बारे कहां से मिलते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कोई इतना बड़ा वाक्य तो नहीं हुआ, लेकिन चूंकि आजकल खबर को बहुत बड़ी खबर नहीं आई तो ये बड़ी खबर है कि जहांगीर तरीन ने एक ग्रुप बना लिया है, और उसको ये ग्रुप खेलना आता है कि अगले 2 हफ्ते में वो कोशिश करेगा कि उसके कारोबार का कोई आसूदगी हो बन जाए और उसको मुकदमा जो है वो किसी तरीके से खत्म हो जाए। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त फरमाया आपने। ये जो इनका असर है जहांगीर तरीन का पार्टी पर, जिसका सब एतराज करते हैं, अगर वो सचमुच पार्टी से इस तरह डिस्टेंट हो गए तो उसका नुकसान क्या पार्टी को क्या नुकसान? आज शाह महमूद कुरैशी भी इनके खिलाफ शुरू हुए हैं, और शाह महमूद कुरैशी के बारे में जितना आप जानते हैं उतना कोई दूसरा नहीं जानता, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, इतना इशारा दे सकता हूँ, पता नहीं आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए शाह महमूद कुरैशी तो हमेशा से तहरीक इंसाफ में एक निग्लेक्टेड लीडर था, एक ऐसा लीडर के जो पहले दिन से चुके उसको तहरीक इंसाफ में शामिल करने का जो अकलौता चेहरा है मेरे सर पे है, तो आपके बहुत सारी बातें हैं जो मैं इसलिए नहीं
टच टच बाम कर सकता हूँ जो मेरे पास इमानत है, और वो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसी बात जो मैंने इमरान के तमाम इस वक्त मिलो तो मैं इस वक्त वो बात मैं भी नहीं कर सकता, इस वक्त बात मैं भी नहीं कर सकता कि कभी अक्सर करता रहता हूँ, लेकिन उस पर चूंकि इशारा आपकी तरफ नहीं होता इसलिए कर जाता हूँ। तो वो लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि शामिल पेशी जिस दिन से आए हैं इमरान खान साहब की विशेष के अगेंस्ट आए हैं और मैं उनको जबरदस्ती लेके आया हूँ और मैं तफसील नहीं बताऊंगा। फिर किसी कभी भी इमरान खान साहब उनको पसंद नहीं करते। अब जानिए उन्होंने चूंकि बारगेन में वाइस चेयरमैनशिप उनको मैंने दिलाई थी, जिसका इमरान खान साहब मेरे पे बड़े गुस्से में थे या मेरे पे तलबलाए थे और मुझे कहा था कि तुम बड़े ही वीक बारगेनर हो, लेकिन मैंने उनको इमरान खान साहब ने मुझे खास कहा था कि इसको ये पोजिशन नहीं देनी हमने, और मैंने उनको उनके साथ इस पोजिशन पे एग्री कर दिया था। खैर अब वो इतने अच्छे से वो जो बंदा इंपॉर्टेंट होता है ना, चाहे जहांगीर सिंह हो कोई और हो, तो उनके अपनी फ्रस्ट्रेशन है उसके खिलाफ हो जाते हैं। वो भी ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो है जैसे ही एक किसी सूरत हाल में बाजी पलटेगी और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनकी एक टेंशन चल रही है, जो मैं तो 2.5 साल से वावेला कर रहा हूँ कि ये एस्टेब्लिशमेंट और ये एक दूसरे के खिलाफ सा फिरा है इमरान खान, लेकिन वो दोबारा बातें ये जिमनी है। तो इस में कोई साहब समझते हैं कि मेरा चांस बनेगा, मेरा ख्याल है कि सारे सारा पिंड भी मर जाए ना तो सामूहिक क्रेडिट है वो चौधरी नहीं बनता मुल्क का। अब वो जा रहे उनके भी पोचे जाए, इसमें वो जागी तीन तो गुस्सा निकाल के और अपने आप को बड़ा पॉपुलर बना रहे हैं। अब सेलिशन के जो जागी तीन से ग्रेजेज है वो किसी और वजह से है, शायद आप एक प्रोग्राम में डिस्कस भी कर चुका था। और समझता ये नहीं है कि जागी तीन और सेलिशन में रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी सर्विसन भी रिप्रोचमेंट करने की माई बाप है, वो अलग कल्ला के फजल करम से 2015 में पीएस पार्टी को उन्होंने लेजे की अन्नी पे रखा हुआ था और 2016 में उनको ऐसे पकड़ की वो जैसी जब्ती डाली थी और तरीके साफ और कादरी और पीएस पार्टी को साथ मिला के उन्होंने एक अलम जहाज बुलंद किया था निवासी हुकूमत को गिराने के लिए। तो ये पाकिस्तान के अंदर हर चीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। इमरान खान साहब अलबत्ता इस गेम में उन्होंने तो मैं इस पर कंक्लूड करूं, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को हफाफ दिया है, थका दिया है, रुसवा करके रख दिया और जलील करके रख दिया है। ये बिल्कुल मैं इसके खिलाफ मुबालगत कहता हूं कि जितनी सुबकी एस्टेब्लिशमेंट की जितनी जिल्लत खुआरी और रुसवाई एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान के हाथों हुई है पिछले चंद महीनों में और पिछले डेढ़ दो सालों में और एक्सटेंशन से लेकर आज तक, ये पाकिस्तान की तारीख में जब आप जैसे लोग कुछ दो चार साल बाद वो कलम बंद करेंगे तो हकीकत यह है कि इससे ज्यादा आपको इससे ज्यादा एक्सटेंशन को जिल्लत आपको नींद मिलेगी जो इमरान खान के हाथों को मिल रही है अभी और मिलने वाली है। बिल्कुल दुरुस्त बात आपने, बाकी बात तो बहुत दुरुस्त कह दी कि साउथ के जो लीडर हैं वो जरा स्टैंड लेने के आदि नहीं है, तो इसलिए ये तवक्को करना कि बजट तक ये कुछ स्टैंड देंगे मुश्किल लगता है, लेकिन यही है कि ये अपने इस पूरे अरसे में कुछ बारगेन करने की कोशिश करेंगे। क्या यही सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह सज्जाद मीर साहब। एस्टेब्लिशमेंट कोई नई सफबंदी कर रही है और खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को जलील करके रख दिया है, ये हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के रिमार्क्स हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की ये एक कंसिस्टेंट राय है कि पाकिस्तान में जो पार्टियां हैं, तीन पार्टियां बड़ी हैं, एक अपोजिशन है, अब अपोजिशन को भी दो हिस्सों में बांटते हैं, एक पीपल्स पार्टी एक नून, वो पहले ही बांटा करते थे, और इस तरह दो हुकूमतें और हैं, एक हुकूमत और एक एस्टेब्लिशमेंट। वो एस्टेब्लिशमेंट को एक अलग कुव्वत समझते हैं और इनका ख्याल है कि इमरान खान ने अपनी पॉलिसियों से एस्टेब्लिशमेंट को बहुत जिक किया है, बहुत तंग किया है, बहुत कॉर्नर किया है, और एक लिहाज से उस लड़ाई में इमरान खान जीतता है। right. वो रास्ता नहीं छोड़ता कि एस्टेब्लिशमेंट क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती। ये हफीजुल्लाह नियाज़ी का एक कंसिस्टेंट स्टैंड है और वो बार बार इस बात राइट। सज्जाद मीर साहब हमें एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी मौजू को और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या करना चाह रही है, खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से नाराज क्यों है। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से कबल हम बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ बिलखसूस इमरान खान हुकूमत की मुश्किलात के हवाले से। सज्जाद मीर साहब से इस हवाले से पूछते हैं कि इमरान खान साहब के सजासा मामला जो हैं वो क्या ठीक नहीं चल रहे और क्या वो अपनी मुद्दत पूरी कर सकेंगे? नहीं, ठीक क्यों नहीं चल रहे भाई, ठीक ठाक चल रहे हैं। बात ये होती है कि ये कहना कि हुकूमत 100% वही करती है जो एस्टेब्लिशमेंट करती है, ऐसा दुरुस्त नहीं है। और ये कि वो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशों डिक्टेट पर चलते हैं, ऐसा दुरुस्त नहीं है। कहा जा जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी खेल खेलते हैं, उनसे तो लड़ाई ले नहीं सकते लेकिन उनके लिए मुश्किल पैदा करते रहते हैं। ये एक अलग सूरत हाल है जो फिजुला न्याजी का नुकता नजर था, वो मैंने बयान किया था। ठीक, अच्छा अब जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप जो है वो प्रेशराइज कर रहा है, इसे हम क्या कहें कि पार्टी के अंदर टूट फूट हो रही है, पार्टी के अंदर जो है वो रखना आ रहा है या फिर ब्लैकमेल किया जा रहा है खान साहब को? मेरा ख्याल है कि अब हम इस सवाल पे बहुत सहरास्त गुफ्तगू कर चुके हैं, इसको मजीद आगे नहीं बढ़ाते हैं बल्कि और सवाल बहुत सारे हैं। ठीक, अच्छा और भी बिल्कुल उस पर भी हम आएंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। जिस तरह से रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से भी आप अपना तजिया पेश करते रहते हैं, दूसरी जानब नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी के हवाले से भी इशूज है, तो इन पर भी आपकी राय लेना चाहेंगे कि रिंग रोड स्कैंडल भी फिर हम ख्याल ग्रुप भी ये सारी मुश्किल ही है ना, रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए रिंग रोड स्कैंडल जो है ना गले पड़ गया है, मुझे नहीं मालूम इन्होंने क्यों कहा। वो कहते हैं एनएमएस से एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट शायद पब्लिक हो गई और उसमें हुआ क्या है कि डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर के खिलाफ कर रहा है, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कर रहा है और जिस डिप्टी कमिश्नर जिस कमिश्नर को वहां लगाया गया है वो है जो डिस्का कलेक्शन का इंचार्ज था, उसको गोया एक प्रमोशन दी गई कि पिंडी का उसको कमिश्नर लगा दिया गया। यानी ये हालत है, जिसको सजा मिलनी चाहिए थी उसको प्रमोशन दे दी गई और उसके जवाब में जिसने उस रिपोर्ट पे साइन नहीं किए और अपनी अलग रिपोर्ट लिखी उसका तबादला कर दिया गया और उसको सजा सुना दी गई। तो ये एक मुश्किल में फंस गए। जुल्फी बुखारी ने ठीक एक काम किया है कि उसने इस्तीफा दे दिया है, अब कहता है मेरा नाम चाहे ECL में शामिल कर दो मुझे कोई इतराज नहीं है। ये भी अच्छा अच्छा उसका एक पोलिटिकल गिमिक्स है जो वो खेल रहा है, लेकिन इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि ये मसलन ये कहा जाता है कि उसके ननिहाल की जमीन वहां गुलाम सरवर खान है, वो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इमरान ने कहा तूने की क्यों, तुझे जरूरत क्या थी? उसने कहा जी मुझ पर इतराज किए गए थे। वो कहता है कि मेरे अगर किसी भी जानने वाले खानदान के किसी भी वर्ग का यहाँ जमीन हो या अलाइनमेंट के साथ ताल्लुक हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन साथ ये भी कहता है ऐसा से जिसे कहते हैं पोले मुंह से कि साहब अगर मैं किसी की दावत पर चला जाता हूँ, खाने पर चला जाता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके लिए काम करता हूँ। लोग तो यही कहते हैं कि उनके फ्रंट मैन है और वो फिर बातों में तफसील में जब बयान करते हैं तो कहते हैं कि हाँ मेरा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है इस इलाके में लेकिन मैंने उसके लिए काम नहीं किया, मेरा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है कि मेरी दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसियों को ये जोड़ता है लेकिन मैंने काम नहीं किया, मैंने किसी सिफारिश नहीं की, मैंने किसी से कहा नहीं। तो इस पर एहसन इकबाल ने बहुत अच्छी बात की है कि आप एक आदमी के खिलाफ चीनी का स्कैंडल करते हैं फिर उसके खिलाफ कुछ नहीं करते, वो आराम से निकल जाता है। पेट्रोल का आता है बाबर गौरी के खिलाफ, वो आराम से खाता के माता निकल जाता है। जफर मिर्जा के पास दवाइयों का आता है, वो आराम से खाता पीता है निकल जाता है, बैठा होता है उसको कोई और दे देते हैं। अमर कियानी को आप सेक्रेटरी बना देते हैं पार्टी का बाद में, और जिसके बारे में बहुत बड़ा इल्जाम था कि उसने क्या कीमतों के तयन में बहुत बड़ी बेईमानी की है, बदध्यानती की है। वैसे तो ये पोस्ट ही ऐसी है डायरेक्टर जनरल की जो ड्रग्स की होती है, ड्रैप की, अब उसका जो वजीर होगा ये कैसे हो सकता है कि उसका वजीर जो है वो एक लिटरेटिव जॉब पे। अच्छा सज्जाद मीर साहब, हमें मुजाहिद ब्रेलवी साहब ने ज्वाइन किया। मुजाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। मैं अपनी आलिमाना फाजिलाना दानिशराना गुफ्तगु अपने उस्ताद वो पीर भाई हमारे कहते हैं हमारे बरेली में, लेकिन पीर सुन रहा था जिसमें जो फरमा रहे थे वो तो अब अगर अब हम इस उम्र के पहर में आ गए हैं कि अगर मीर साहब कोई बात शुरू करेंगे तो हम इसके खिलाफ नहीं कह सकते। नहीं नहीं, मैं दो बातें कर रहे हैं, एक तो रिंग रोड के बारे में कर रहे हैं कि ये पहला स्कैंडल आया इस हुकूमत के जमाने में जिसमें फंस गए ये, और दूसरा हम बात कर रहे थे कि ये जो हम ख्याल ग्रुप बन गया है जंगी तरीन, ये क्या चक्कर है? लेकिन उससे पहले ये कि आप ये क्यों करते हैं कि कि अब जो आप जब मरियम बीबी उस बिलावल को जवाब दीजिए
आवाज थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है क्या जी? आवाज में कुछ प्रॉब्लम है मुजाहिद साहब जी। मैंने कहा कि हथकड़ियां तक गली ना नवाज शरीफ के वालिद साहब के, ऐसे ही हुआ ना? फिर ऐसे ही हुआ ना कि जरदारी की जबान काटी गई सैफ रहमान के कहने पे, और कौन कौन से ऐसे केसेस नीचे जाली नहीं करे? तो इन लोगों को देखें, मैं आप पूरे हम लोग पॉलिटिकल ऑब्जर्वर है, हम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन हम सॉरी टू से अगर तो हमारी कोई आवाज नहीं है, हम इन्हें कैसे इजाजत दें कि जब ये एहसन इकबाल हो या खाकान अब्बासी हो या कमर कायर जरदारियों के फ्रंटमैन कायरा हो, ये एक दूसरे के बजाय इमरान खान पे हमला करें? पहले इन लोगों को बाजमात क्यों नहीं माफी मांगनी चाहिए, माजर नहीं करना चाहिए? देखिए हमने जितने भी केसेस बनाए थे एक दूसरे के खिलाफ, वो जाली झूठे थे या पिंडी अपारा ने बनवाए थे हमसे, लेकिन ये मिजाब हम लोग जब अभी ढाका जाते थे ना 15-18 साल पहले, वो चुपचरा एक रहो, वो पहले बंगाली वाले कहते थे जी माफी मांगो और यही करा। मैंने कहा हम तो फौज के साथ नहीं थे, हम तो अभी जानिब के साथ थे, जो कह रहा था मोहम्मद गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो गुमा तू, हम तो फौज के साथ नहीं थे। ये कह फिर माफी, मैंने कहा हम माफी नहीं मांगी, हम थे ही नहीं उनके साथ, वो अभी माफी मांगते हैं। ये लोग कैसे हैं ढिटाई से पीडीएम में हजरत मौलाना के साथ फिर साथ बैठे हुए जो है इमरान खान, पहले खुद तो माफी मांगे ना मरियम बीबी और बुलावा, चले छोड़ दो जरदारी और शरीफों को, थर्ड जनरेशन जो नई आई है और जो बड़ी अच्छी डायनेमिक है, अच्छा सॉफ्ट पेस है, कोई इन पे डायरेक्ट बुला दिए, लेकिन इन्हें माजत करना चाहिए कि उनके बापों ने या दादों ने या नानों ने ये गलतियां की कि जमहूरियत को कत्ल करने में इनका ज्यादा हाथ है, हर वक्त फौज के इल्जाम लगा देते हैं। अब जो कहते हैं कि आज मैं कल सुन रहा था जुबैर साहब ने तो कहा ही नहीं उनको इस्टेब्लिशमेंट को, ये लीजिए तो नवाज शरीफ किसकी बात भुगत रहे हैं? नवाज शरीफ ने क्यों कहा कि लड़ाई इमरान खान से नहीं है, उनके पीछे वालों से कहे? क्या ये मासूम समझते हैं, इंसाफ हमें बेवकूफ समझते हैं? जब ये कह रहे होते हैं कि हमारी लड़ाई नवाज शरीफ से नहीं है, उनके पीछे वालों से, क्या मकसद है? यही कह रहे ना कि भाजपा को कह रहे हैं, आईएसआई की हमीद को कह रहे हैं, ऐसे ही बात है ना? ये सवाल करे बताए किसको कह रहे थी वो, जब नवाज शरीफ या मरियम बीबी ये लोग हमारी लड़ाई इनके नहीं, उनके पीछे वालों के, पीछे कौन है? मैं मुजाहिद बेटी साहब एक दूसरा सवाल भी आपसे पूछा है, वो ये कि रिंग रोड का जो स्कैंडल बना है ये क्या लगता है आपको? मीर साहब ये बताइए, कोई भी स्कैंडल उठा लें, मलिक रियाज का सबसे बड़ा स्कैंडल तो आपके पास है ना, ये एडमिटेड इन सिंध क्योंकि उसने सारे बलावल हाउस बनाए कि 100 अरब की बार्गेन की है उसने नैब से, 100 अरब की सिर्फ एक पैकेज में मलिक जबल के अथॉरिटी के, और जैसे साकम ने कहा कि जी 100 अरब उसने कहा मैं 100 अरब नहीं दे सकता, सॉरी तो 587 अरब रुपए पे बार्गेन हुआ नैप का। कैसे बात है कि वो मजीद लाहौरी का देखे फंसके क्या गया, देखे रिश्वत छोड़ गया, फंसके रिश्वत छोड़ा, और 25 अरब रुपए दिए उसने एक महीने में, 487 अरब रुपए मलिक रियाज को देने थे, उसने 25 अरब के बाद रिलीफ हासिल कर ली, ये बताइए ये कौन सा इंसाफ है? तो आप जो बात कह रहे हैं कहां का जिक्र करें, डॉक्टर आसिम को क्यों नहीं कहते? 547 अरब का था सदील मेमोरियल, 488 अरब का था, बड़ा नैब कहती है हमने 371 बिलियन जो है अरब जो है वो 3 साल में वसूल किए। जब ये करप्शन, देखिए करप्शन इशू पाकिस्तान में सॉरी टू से नहीं है, ये पॉलिटिकल हथियार है। गुलाम इसा खान इस बुनियाद पर नवाज शरीफ को भी घर भेजता था, बेनवी को भी भेजता था, और गुलाम इसा का जो ये लूट मार में शामिल होते थे जाम सादिक के साथ, पाकिस्तान में करप्शन इशू नहीं है, क्योंकि सॉरी जो से ऊपर से लेकर नीचे तक, मैं भी शराब की कार करने जब देने जाता हूँ लंबी लाइन होती, 500 रुपए तो शराब की कार बुलवाओ, मैं भी देता हूँ 1000 रुपए यार मेरा पासपोर्ट बुलवा दो, पासवॉरी टू से पाकिस्तान में करप्शन इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर ऑफ आवर लाइफ, आपने भी माना है मैंने भी माना है, क्या माने न माने मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त बात आपकी मुजाहिद वली साहब, आपने दोनों इशू पे बहुत अच्छी हमारी रहनुमाई की, आवाज का प्रॉब्लम था लेकिन उसके बावजूद मुझे तवक्को है कि लोगों तक आपकी आवाज बड़ी साफ क्लियर और बेबाक पहुंची होगी,
और इंशाल्लाह इससे सबको फायदा पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा सज्जाद साहब, करप्शन की बात हुई है, खान साहब ने कहा था कि अगर ऊपर लीडरशिप ईमानदार होगी तो नीचे जो है वो करप्शन नहीं जाएगी, वहां पर भी मामला ठीक होते जाएंगे, लेकिन हमने 3 सालों में देखा है कि हर स्कैंडल जो है वो चाहे चीनी का हो, आटे का हो, बिजली का हो और भी दीगर स्कैंडल हो, वो आते गए और फिर वज़रा भी चेंज होते रहे, मुशीर भी चेंज होते गए, वज़ीर ख़ज़ाना भी तब्दील होते गए, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखें जी, अगर उन्होंने कहा था ऊपर करप्शन होगी तो नीचे करप्शन जाएगी, अच्छा हमें नहीं पता ऊपर वाला करप्ट है कि नहीं है, उसके बारे में कहा जाता है बहुत ईमानदार है, बहुत दयानतदार है और उसकी शोहरत है बड़ी दयानतदारी की और उसकी डिसेंसी की, चलिए मान लेते हैं, लेकिन ये तो तय है ना कि नीचे करप्शन हो रही है, बिल्कुल नजर आ रही है, पटवारियों की भी नजर आ रही है, थानेदारों की भी नजर आ रही है, डिप्टी कमिश्नर्स की भी नजर आ रही है, हर शोबे में नजर आ रही है, कस्टम में नजर आ रही है, हर जगह खुद कह रहे हैं कि वो सारे महकमे करप्ट हैं। जब सारे महकमे नीचे करप्शन है तो इसका मतलब ऊपर भी मामला फिर ठीक नहीं है। अगर उनकी मंतक को अजमाया जाए, अगर उनकी मंतक को लागू किया जाए, अगर उनकी मंतक के हिसाब से बात को परखा जाए, अगर ऊपर करप्शन होगी तो नीचे करप्शन होगी, वो ये कहते हैं, मैं कहता हूं नीचे करप्शन है इसका मतलब है ऊपर भी करप्शन है। सही। तो ये सारे पैसे जो है नजरियाती सी हैं, आपका कहना है कि हम करप्ट लोगों को पकड़ेंगे, लेकिन किसी एक पे तो करप्शन साबित नहीं कर सके। भाई नवाज शरीफ पे भी आपने कौन सी करप्शन साबित की है? आपने मनी भेज दिया है कि उसने फला प्रोजेक्ट से कमीशन लिया था या फला जगह से रिश्वत ली थी और वो उसके उसके अकाउंट में गई है, आपका यही कहना है कि उसने जो पैसा कमाया था उसको वो गलत तरीके से बाहर ले गया, वो नहीं ले जा सकता था। वो कहते हैं कि हमने अगर कोई डीलिंग की है तो जमाने के हिसाब से की है, और अगर आपके पास सबूत है कि हमने कुछ गलत किया है तो साबित करें। लेकिन मीर साहब, दोशाखाना रेफरेंस में तो उनकी जायदाद नीलाम करने की बात हो रही है, उनकी 3 दरखास्तें थी वो भी मुस्तरद हो गई और कल से उनकी जायदाद की नीलामी भी शुरू हो रही है। ये तो मामला चलेगा ना जी, ये तो होता है सियासत में। मुशर्रफ ने क्या कुछ नहीं किया था, उनका मॉडल टाउन का घर था उस वक्त, तो यही सब कुछ था, उसको कैसे लेकर उसको कैसे उसका बुरा हाल कर दिया था, उससे पता नहीं क्या यतीम खाना खोल दिया था या क्या कर दिया था, वापस आए तो वो उनको रिटर्न करना पड़ा, क्या क्या मुकदमे नहीं बनाए थे, ये इसके पैसे देंगे उसके पैसे देंगे, उस वक्त हमजा को रखा था उन्होंने जर्गमार के तौर पर। सही। अगर आप अपने मरियम को रखा हुआ है और शहबाज शरीफ को रखना चाहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो जिनके खिलाफ आपके मुकदमात हैं वो सचमुच करप्ट है। सज्जाद साहब, आखिर में महंगाई के हवाले से भी आपके क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगा। बिलावल जरदारी साहब बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं खान साहब को कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, मुर्गी 450 रुपए किलो और गाय का गोश 650 रुपए तक पहुंच गया। अब बेचारा बिलावल तो इस तरह की बातें करता है जी, महंगाई की बात तो बिलावल क्या गली मोहल्ले में खड़ा हुआ एक आम आदमी भी करता है, वो भी रोता है। आप माइक लेकर जहां भी चला जाए आपको रोना ही रोता नजर आएगा हर आदमी। बेरोजगारी, महंगाई और ये सारी चीजें, इवन करप्शन कि जिस पर जिससे कोई आदमी खुश नहीं है, और लोग जो हैं उनकी जिंदगियां तंग है, दो वक्त का खाना मुश्किल हो गया है, ऐसी सूरत में आप क्या तवक्को करते हैं कि लोग इनको वोट देंगे, इनका साथ देंगे, इनको लेके आगे चलेंगे? जमाना गुजर गया है, पहले इनका नाम था, एक ब्रांड थे और लोगों को पता नहीं था कि ये आके क्या करेंगे, अब लोगों को पता है कि ये आके क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। राइट। अब मुझे नहीं पता कि पहले एस्टेब्लिशमेंट की अगर इनको कोई सीढ़ी मुजस्सर थी तो अब मुजस्सर आएगी कि नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता कि अब आसानी के साथ सीढ़ी इन्हें मिलेगी। ठीक है सज्जाद मीर साहब, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम अख्तिताम की तरफ जा रहा है, फ़लस्तीन के हवाले से हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा फ़लस्तीन में क़याम अमन के हवाले से एक मिशन पर हैं, अमरीका पहुँचे हैं और उनके साथ तुर्की के वज़ीर ख़ारजा भी हैं, सूडान के वज़ीर ख़ारजा भी हैं, इसी तरह से दीगर इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से भी उनकी मुलाकात हो रही है और जनरल असम्बली का अहम इजलास भी होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक और जो सलामती कौंसिल के हवाले से खबर है, अमरीका ने 4थी बार उस इजलास में वीटो किया और जो करारदाद पेश की जानी थी मुत्तफिका तौर पर इसराइल के खिलाफ वो भी मंजूर ना की जा सकी, जिस पर चीन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। आज गजा में बमबारी जारी है और एक सहाफी भी शहीद हो गया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो और फलस्तीन के मुसलमानों की इमदाद फरमाए, गैबी इमदाद फरमाए, मुसलमानों को मुतहद करे। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।